दोस्तों जोवान्नी डोमेनिको कैसिनी वो एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने 17वीं सेंचुरी में पृथ्वी पर बैठकर सैटर्न के चार मून्स और इस खूबसूरत प्लैनेट की रिंग्स के डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कवर किया था। और 19 जुलाई साल 2013 को कैसिनी ने सैटर्न की ऑर्बिट से पृथ्वी और मून की ये फोटोग्राफ कैप्चर की थी। लेकिन हाँ दोस्तों, जोवान्नी कैसिनी ने नहीं बल्कि नासा के कैसिनी स्पेस प्रोब ने, जिसका नाम जोवान्नी कैसिनी के नाम पर रखा गया था। अब दोस्तों इस फोटोग्राफ में आपको धरती और मून छोटे छोटे डॉट्स की तरह लग रहे होंगे और इस आइकॉनिक फोटोग्राफ का नाम है द डे द अर्थ स्माइल्ड। दोस्तों आज तक के इतिहास में टोटल 4 स्पेस प्रोब सैटर्न तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं, जिसमें है पायोनियर 11, वॉयजर 1, वॉयजर 2 और कैसिनी। दोस्तों इनमें से सिर्फ कैसिनी ही ऐसा प्रोब था जिसने सैटर्न को ऑर्बिट किया था। लेकिन आखिर हमें इस मिशन से क्या क्या पता चला था और कैसिनी ने सैटर्न और उसके मून्स की कौन कौन सी फोटोग्राफ्स ली थी, वेल आज के इस वीडियो में हम कैसिनी के सफर की बात करने वाले हैं और आखिर में जानेंगे कि क्यों नासा के वैज्ञानिकों ने इस स्पेस प्रोब को जानबूझकर सैटर्न में क्रैश करा दिया था। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं कैसिनी स्पेस क्राफ्ट के सफर को। दोस्तों सोलर सिस्टम के 2 सबसे बड़े प्लैनेट्स जुपिटर और सैटर्न बहुत ही मिस्टीरियस माने जाते हैं और ये सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन के कई राज अपने अंदर छिपाए हुए हैं। अब बात करें सिर्फ सैटर्न की तो इसकी प्लैनेटरी रिंग्स अपने आप में बेहद खास है और इसके कई मून्स हैबिटेबल भी माने जाते हैं। अब ऐसे में वैज्ञानिक हमेशा से ही इस प्लैनेट को एक्सप्लोर करने के लिए एक डेडिकेटेड मिशन भेजने की प्लानिंग कर रहे थे और वो मिशन बना कैसिनी ह्यूजेंस। 15 अक्टूबर 1997 को इसे धरती से लॉन्च किया गया था। इस मिशन के अंदर कैसिनी स्पेस प्रोब और ह्यूजेंस लैंडर को भेजा गया था। ह्यूजेंस लैंडर का नाम डच एस्ट्रोनॉमर क्रिस्टियान ह्यूजेंस के सम्मान में रखा गया था, जिन्होंने ना सिर्फ सैटर्न के सबसे बड़े मून टाइटन की खोज की थी बल्कि सैटर्न की रिंग्स की स्टडी में भी उनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। अब दोस्तों आपको बता दूं कि कैसिनी स्पेस प्रोब और ह्यूजेंस लैंडर का टोटल वेट 5000 किलोग्राम के करीब आया था और इतने ज्यादा वेट को एकदम से सैटर्न तक भेजा नहीं जा सकता था, इसलिए वैज्ञानिकों को इस मिशन के लिए कई ग्रेविटी असिस्ट का सहारा लेना पड़ा। अब इसे सबसे पहले सैटर्न की डायरेक्शन में नहीं बल्कि वीनस की ओर भेजा गया। साल 1998 और 1999 में यह स्पेस प्रोब वीनस के पास से 2 बार गुजरा, जिससे कि इसे अपने आगे के सफर के लिए पर्याप्त मोमेंटम मिल जाए। इसके बाद यह स्पेस प्रोब फिर से धरती के पास से गुजरता है और इसकी कुछ खूबसूरत फोटोग्राफ्स भी लेता है। पृथ्वी की ग्रेविटी ने स्पेस प्रोब की स्पीड को 5.3 किलोमीटर पर सेकंड कर दिया था, जो कि इसे सैटर्न तक पहुंचाने के लिए काफी थी। 23 जनवरी साल 2000 को यह एस्ट्रॉइड 2685 मासुरस्काई के पास से गुजरता है और इसी साल अप्रैल में कैसिनी एस्ट्रॉइड बेल्ट को क्रॉस करने वाला 7th स्पेसक्राफ्ट बन जाता है। 30 दिसंबर साल 2000 को ये जुपिटर से 97 लाख किलोमीटर दूर से गुजरा और अगले 6 महीनों में इसने जुपिटर के 26,000 से भी ज्यादा फोटोग्राफ्स खींची। ये फोटोग्राफ्स आज तक जुपिटर की खींची गई क्लियरेस्ट इमेजेस में शामिल है। अब इनमें हमें जुपिटर के अराउंड मौजूद फेंट रिंग्स भी देखने को मिलती है। एक इमेज में इसने जुपिटर के मून आयो को भी कैप्चर किया था। जुपिटर के बाद कैसिनी अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि शनि ग्रह की ओर चलने लगता है। अब दोस्तों ये सफर काफी लंबा था तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना इस दौरान कैसिनी से कुछ और भी काम निकाल लिया जाए। अब जरा आप सोच के देखो कि एक सैटेलाइट जिसके पास ऑलरेडी से काम मौजूद है उसे एक और जॉब एग्जीक्यूट करने दिया जा रहा है और यहाँ पर लोगों को जॉब्स नहीं मिल पा रही है। वेल देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स अवेलेबल नहीं है, बल्कि ऐसा है कि सही अपॉर्चुनिटी के इंतजार में लोग रुके हुए होते हैं। और आपको यही सही अपॉर्चुनिटी देने के लिए मिलाया हूँ हायरेक्ट, जहाँ आपको 1.5 लाख से ज्यादा कंपनीज और स्टार्टअप्स मिलेंगे जो आपको हायर करने के लिए तैयार बैठे हैं। और इन कंपनीज और स्टार्टअप्स के एचआर टीम और डिपार्टमेंट के टीम लीडर से ऐप के डायरेक्ट चैट फीचर से बात करके बिना किसी मिडिलमैन के जॉब इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हो। अब इंस्टॉल होते ही जॉब सीकर और रिक्रूटर सिलेक्ट करो, नंबर और ओटीपी डालकर साइन अप कर लो एंड हायरेक्ट ऐप पर 100% प्राइवेसी प्रोटेक्शन रहती है। इसका मतलब आपका फोन नंबर और रिज्यूमे दोनों आपकी परमिशन के बिना कोई रिक्रूटर नहीं देख सकता।
फिर बाकी डिटेल्स जैसे फुल टाइम और पार्ट टाइम जॉब्स, फंक्शनल एरिया, सिटी, एक्सपेक्टेड सैलरी, कौन से सेक्टर से हो, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एक्सेट्रा भरकर अपनी प्रोफाइल बना दो और क्वेश्चंस के आंसर देके प्रोफाइल बनानी है और उसके हिसाब से ऐप का एल्गोरिदम आपको रिक्रूटर्स से मैच करवा देगा। लेकिन सिर्फ जॉब सीकर्स ही नहीं, इस ऐप को जॉब रिक्रूटर्स भी बेस्ट कैंडिडेट्स के सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि है ना हर एक पे जॉब ढूंढना बिल्कुल ईजी। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो भाइयों, इस दौरान कैसिनी स्पेस प्रोब ने सर अल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रूव कर दिया था। अब साल 2003 में इस मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया कि जब वो कैसिनी को कोई रेडियो सिग्नल भेजते हैं और जब इस स्पेस प्रोब से उनके पास रेडियो सिग्नल आता है तो इसमें एक फ्रीक्वेंसी शिफ्ट देखने को मिलता है। अब जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा गया है कि सूरज जैसे एक मैसिव ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को कर्व कर देता है, जिससे कि किसी रेडियो सिग्नल को स्पेस में ट्रैवल करने में ज्यादा समय लगता है। सेम चीज हमें कैसिनी के एक्सपेरिमेंट में भी देखने को मिली, जिसने आइंस्टाइन के सिद्धांत पर मोहर लगा दिया। अब फरवरी साल 2004 में कैसिनी ने फाइनली सैटर्न के रिंग सिस्टम में एंट्री कर ली और यहां से इस मिशन का मेन पार्ट शुरू होता है। अब दोस्तों, 11 जून साल 2004 को कैसिनी सैटर्न के एक इररेगुलर सैटेलाइट फीबी के पास से गुजरता है और उसकी क्रेटर्स से भरी हुई ब्राइट सरफेस को ऑब्जर्व करता है। अब दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ब्राइट सरफेस का कारण वहां मौजूद वाटर आइस हो सकता है। 1 जुलाई साल 2004 को कैसिनी सैटर्न की ऑर्बिट में एंटर हो जाता है और ऐसा करने वाला इतिहास का पहला स्पेस प्रोब बन जाता है। इसके अगले ही दिन इसने सैटर्न की ऑर्बिट से इसके सबसे बड़े मून यानी कि टाइटन के समुद्रों की इमेज खींची। अब दोस्तों, बारी थी कैसिनी स्पेस प्रोब के साथ भेजे गए ह्यूजेंस लैंडर की। 25 दिसंबर साल 2004 को ह्यूजेंस लैंडर कैसिनी से अलग होकर टाइटन की ओर जाता है और करीब 20 दिनों बाद 14 जनवरी साल 2005 को इसके एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाता है। अब लगभग 2.5 घंटे तक टाइटन के एटमॉस्फेयर से होते हुए ट्रैवल करने के बाद फाइनली ह्यूजेंस लैंडर टाइटन की सरफेस पर सक्सेसफुल लैंडिंग करता है और इसके करीब 350 फोटोग्राफ्स भी कैप्चर करता है। हालांकि कैसिनी के एक रिसीवर में सॉफ्टवेयर एरर आ जाने के कारण ये फोटोग्राफ्स लॉस्ट हो गई थी और टाइटन की सरफेस पर लैंड करने के सिर्फ 90 मिनट्स बाद ही ह्यूजेंस लैंडर से भी हमारा संपर्क टूट चुका था। पर दोस्तों, इस छोटे से इंटरवल में हमने जाना कि टाइटन पर मीथेन के लेक्स मौजूद है। ये लेक्स काफी विशालकाय है और वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर एलियन लाइफ भी हो सकती है। मतलब कोई एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन नहीं, बल्कि मीथेन पर सरवाइव करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब दोस्तों, ह्यूजेंस की स्टोरी का तो यहीं पर दी एंड हो गया, पर कैसिनी अभी भी अपने सफर पर आगे बढ़ रहा था। टाइटन के बाद कैसिनी ने एनसेलेडस को ऑब्जर्व किया। सैटर्न के इस आइसी मून के साउथ पोल्स पर कैसिनी ने वाटर आइस के गीजर्स देखे और यह एस्टिमेट भी लगाया कि इस मून की रॉकी कोर के नीचे सॉल्टी वाटर्स के सोर्सेस हो सकते हैं। एनसेलेडस के पास से कैसिनी कई बार गुजरा और इस दौरान इस स्पेस प्रोब को लोकल मैग्नेटिक फील्ड्स का डिफ्लेक्शन झेलना पड़ा। ये इस बात का सबूत था कि इंसेलेडस पर भी एटमॉस्फेयर मौजूद है। अब अपने आगे के इस सफर में कैसिनी ने डायोनी पर ऑक्सीजन की खोज की। अब दोस्तों, आपको बता दूं कि डायोनी उन 4 मून्स में से एक है जिन्हें जियोवान्नी कैसिनी ने खोजा था। हाइपीरियन, जो अपने अनएक्सप्लेन्ड स्ट्रेंज स्पॉन्ज लाइक शेप के लिए जाना जाता है, वहां पर कैसिनी को हाइड्रोकार्बन्स की प्रेजेंस मिली। अब पिछले करीब 300 सालों से वैज्ञानिक इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि आखिर लैप्टस की सरफेस पर डार्क स्पॉट्स क्यों हैं? अब अपनी फ्लाईबाय के दौरान कैसिनी ने पाया कि ऐसा सूरज की रेडिएशन के कारण है और इस तरह इसने ये वाली मिस्ट्री भी सुलझा दी। अब सैटर्न के अराउंड अपने सफर के दौरान कैसिनी ने टोटल 7 नए मून्स की डिस्कवरी भी की थी। साल 2004 में इसने मीथोन, पैलिन और पॉलीड्यूसिस को खोजा था। साल 2005 में डेफनीस, 2007 में एंथी, 2009 में एगायोन और इसी साल 7th मून को भी खोजा, जिसका नाम फिलहाल तक नहीं रखा गया है। अप्रैल 2014 में कैसिनी के इमेजेस ने रिवील किया कि सैटर्न की ए रिंग में एक न्यू मून का फॉर्मेशन भी हो रहा है। दरअसल शनि ग्रह के रिंग्स, जो कि वाटर आइस पार्टिकल्स की बनी है, वहां कई सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं जो टाइनी मून्स की तरह लगते हैं। अब दोस्तों, हमारे जनरल परसेप्शंस के ऑपोजिट ये रिंग्स बिल्कुल सीडी की तरह प्लेन और स्मूथ नहीं है, बल्कि इनमें वेव लाइक पैटर्न्स हैं और ये काफी रफ है। सैटर्न की ग्रेविटी इसकी रिंग्स पर
काफी इफेक्ट डालती है और इसकी रिंग्स भी सैटर्न की फॉर्मेशन को लेकर काफी सारी इन्फॉर्मेशन रिवील करती है। दोस्तों 25 अक्टूबर साल 2012 को कैसिनी ने सैटर्न के ग्रेट व्हाइट स्पॉट को ऑब्जर्व किया था। ये एक विशाल का स्टॉर्म है जो हर 30 सालों में शनि ग्रह पर देखने को मिलता है। अब इस स्टॉर्म के आने पर सैटर्न के एटमॉस्फेयर में इथिलीन का लेवल 100 गुना बढ़ जाता है। साल 2013 में इसने सैटर्न के फेमस सिक्स साइडेड स्टॉर्म की फोटोग्राफी कैप्चर की थी। कैसिनी ने इसे 2016 तक ऑब्जर्व किया और इस दौरान इस हेक्सागोनल स्टॉर्म ने अपना कलर ब्लू से गोल्डन में बदल लिया। अब इस जायंट हेक्सागोनल स्टॉर्म के बारे में हम आपके लिए एक वीडियो पहले ही ला चुके हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को डायरेक्ट जाके देखना, लिंक ऊपर आए के बटन पर मिल जाएगा। अब दोस्तों कैसिनी ने सैटर्न के पोल्स पर सीजनल वेरिएशंस भी ऑब्जर्व किए थे, जैसे कि स्प्रिंग सीजन में इसके नॉर्थ पोल का टेम्परेचर 2.2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाता है और साउथ पोल में 17 डिग्री तक कम हो जाता है। अब दोस्तों कैसिनी मिशन की सैटर्न के अराउंड मैक्सिमम ड्यूरेशन को 7 साल माना जा रहा था, पर इसने अपने मिशन ड्यूरेशन से काफी ज्यादा समय तक खुद को सर्व किया। पर दोस्तों एक स्पेस प्रोब अपने अंदर मौजूद फ्यूल पर ही निर्भर होता है। साल 2017 आते आते इसका फ्यूल बहुत ज्यादा कम हो गया और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हमें इसे अलविदा कहना पड़ा। 15 सितंबर साल 2017 को वैज्ञानिकों ने जानबूझकर कैसिनी स्पेस प्रोब को सैटर्न के एटमॉस्फेयर में एंटर करा दिया और इसके करीब 1 मिनट के अंदर ही कैसिनी से हमारा कॉन्टेक्ट हमेशा के लिए टूट गया। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर वैज्ञानिकों ने ऐसा क्यों किया? तो दोस्तों इसका रीजन ये है कि अगर कैसिनी सैटर्न की ऑर्बिट में बना रहता तो हो सकता था कि आने वाले समय में ये इसके किसी मून से टकरा जाए। कैसिनी को धरती पर बनाया गया था एंड ऑब्वियसली इसमें पृथ्वी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद होंगे। अब जब हुईगिंस जैसे किसी लैंडर को प्लैनेट या मून की सरफेस पर उतारा जाता है तो इन बातों को पहले से ही कंसीडर किया जाता है, पर कैसिनी उन मून्स और वहां पर मौजूद पोटेंशियल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता था। और वहीं दूसरी तरफ शनि ग्रह जो कि एक गैस जायंट है, वहां पर तो कोई भी लाइफ हो ही नहीं सकता और इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसके लिए सैटर्न के एटमॉस्फेयर को चुना। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या साइंटिस्ट का यह फैसला सही था और आपको कैसिनी ह्यूइगिन्स का ये सफर कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब दोस्तों जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब देते हुए जाओ, मुझे ये बताओ कि क्या हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ शनि ग्रह के पास ही रिंग्स मौजूद है? क्या यही एकमात्र प्लैनेट है जिसके पास रिंग्स है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करो, और अगर नहीं तो मुझे ये बताओ कि और किन किन प्लैनेट्स के पास अपने खुद के रिंग्स है। देखते हैं किसने कितना सीखा है नीचे कमेंट्स में। तो गाइज अगर आपको भी पानी अपनी ड्रीम जॉब तो डाउनलोड करो हाईरेक्ट, क्योंकि हाईरेक्ट है तो डायरेक्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर आप नए हो चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तो बाय, जय।